अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम बैक विद अनदर व्लॉग। टुडे वी आर गोइंग टू अलसीफ। बेसिकली अलसीफ इज अ टूरिज्म स्पॉट, सो वी हैव डिसाइडेड। कुछ पूछा मैंने कुछ कि आज हमने वहाँ पे जाना है। काफ़ी दिनों से मेरा बना हुआ था प्लान, लेकिन बस ड्यू टू सम रीज़न हम जा नहीं सके। तो आज हमने अलसीफ जाना है। बेसिकली वहाँ पे एक तो टूरिस्ट स्पॉट्स है और मुख्तलिफ चीज़ें भी वहाँ पे आपको काफ़ी सारी मिलेंगी। तो हम व्लॉग आज का वहीं पे जाके बनाते हैं। कपड़े शपने हमने पहन लिए हैं। तो अगर आपको व्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आ जाए, अपने व्लॉग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑन करना, ये तीन काम अपने मस्ट करने हैं। बाकी हम ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए, तो बाकी फिर हम वहाँ पे जाके व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। 15 मिनट्स लेटर। हाँ जी, रेडी वगैरह तो हम दोनों हो गए थे। मैंने आपको बताया कि आज एक व्लॉग, इस व्लॉग के अंदर मैं आपको अपना एक न्यू फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, सलमान। वो भी बेसिकली गुजरांवाला से, माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा अच्छा मेरा ना मतलब फ्रेंड बन गया है। तो आज हमने बेसिकली जाना है, प्लान बनाया है अलसीफ। तो अलसीफ बेसिकली ये कि ना वहाँ पे आपको ना म्यूज़ियम टाइप चीज़ें होंगी, म्यूज़ियम नहीं है लेकिन म्यूज़ियम टाइप चीज़ें होंगी, यूनिक चीज़ें होंगी, आइटम्स बहुत ज़्यादा हो चुकी होंगी। बेसिकली ये ना ये आर्ट से, आर्ट गैलरी से भी कह सकते हैं हम। और इसके अंदर काफ़ी हद तक अगर आपको ना मतलब मैं जब मैं आपको व्लॉग के अंदर दिखाऊंगा, आपको पता चल जाएगा किस तरह की चीज़ें अंदर वहाँ पे अवेलेबल हैं। ज़्यादा घर से दूर नहीं, पास ही है, इतना दूर नहीं है ये। बस सबसे पहले उन्होंने आर्ट के अंदर सारा अंदर इंस्ट्रक्ट किया हुआ, जो जो हम बाई कर सकते, कुछ चीज़ें बाई भी कर सकते, कुछ चीज़ें भी हैं। ये सारा उन्होंने स्टॉल वगैरह इसी तरह का सारा अंदर व्यू होगा। ये गैलरी है, ये उन्होंने यहाँ पे सूरत वगैरह लिखी हुई है। तो ये देखें, ये सारा उन्होंने ये यहाँ पे फ्रेम शॉप है, तो बहुत ही अच्छी चीज़ें यहाँ पे होंगी। ये सारा जैसे वो किसी टाइम में आप ओल्ड टाइम में चले जाएं तो वो मुगल एम्पायर्स में होता था, ये बिल्कुल बेसिकली कुछ भी वही सारा। ये उन्होंने ना दीवार के ऊपर सारा ना आर्ट वगैरह की हुई है। तो ये उन्होंने यहाँ पे बेसिकली ATM मशीन है। अब यहाँ से हम आपको मैं अंदर जा कर दिखाता हूँ। और ये देखें, ये तुर्की वो तुर्की कह रहा हूँ, अरबी अरेबिक में नाम लिखा है। और ये वॉल ऑफ दुबई है, इसके ऊपर सारा दुबई का मतलब उन्होंने अरेबिक में भी और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। तो इसे आप इजीली रीड आउट कर सकते हैं, मैंने तो रीड आउट इसे कर लिया था। और ये उन्होंने एक ना आर्ट से बनाया है, इसके ऊपर पूरा इंस्ट्रक्ट किया हुआ है कि किस तरह आपने मतलब के यहाँ पे घूम फिर सकना है। और ये वो सलमान है जो भाई मैंने आपको बताया था, जरा कम ही आते हैं, शर्माते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन बहुत ही अच्छे हैं, नाइस बात तो सही है पर्सन है। और मुझे बहुत ही खुशी हुई कि यार चलो इस तरह का भी कोई एक फ्रेंड मिल गया, काफी अच्छा मेरा गुजरा है। अब यहाँ से बेसिकली हम बाहर ये निकले हैं। तो ये सारा उन्होंने मैंने आपको बताया था ना, ये यूनिक एंटिक चीज़ें यहाँ पे होंगी बहुत सारी। और ये बेसिकली मेन होगा ये जो अभी यहाँ से मैं आपको जाके व्यू दिखाता हूँ, ये वो मेन व्यू है जहाँ पे ये टूरिस्ट वगैरह जो हम जैसे हमारा टूरिस्ट वगैरह जैसे हम बाहर जाते हैं ये दुबई के अंदर टूरिस्ट वगैरह आते हैं, ये वो बेसिकली सीन है। और सामने बोट्स वगैरह में यहाँ से टिकट बाय करके आप तो आप इजीली ना मतलब के यहाँ पे बाहर अंदर वाटर में आपको वो घुमा सकते हैं। अंडर द वाटर भी यहाँ पे एक है, वो जरा एक्सपेंसिव है। अच्छा, हमको सिखा रहा है। और ऊपर बोट के अंदर घूमने का भी एक दूसरा एक, दोनों डिफरेंट प्राइजेज है, लेकिन दोनों का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। हम कमिंग ब्लॉग में आपको ज़रूर हम दिखाएंगे। अभी तो बेसिकली हम जरा फ्री थे तो सोचा कि यार आके ब्लॉग वगैरह बना लो और साथ थोड़ी बहुत चीज़ें वगैरह देख लें। तो बाकी हम आपको अंदर जाते हैं, आर्ट गैलरी भी दिखाते हैं और मज़ीद चीज़ें जो जो हमें नज़र आएंगे हम आपको ज़रूर इस व्लॉग में दिखाएंगे। आपका बस यही काम है कि आपने इस व्लॉग को एंजॉय करना। अब ये देखें, ये अंदर मैं एंटर हो गया हूँ। अब ये यहाँ से मैं आपको सारी चीज़ें तफसीलन ब तफसीलन दिखाता जाऊँगा कि यहाँ पर क्या चीज़ें मिलती हैं और क्या नहीं चीज़ें मिलती हैं। और प्राइस भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है ये। बेसिकली रात के टाइम भी इनका बहुत ज़्यादा आउटलुक होता है और मॉर्निंग के टाइम भी। अब ये देखें, ये सारा फीमेल्स डिपार्टमेंट है यहाँ पे। बेसिकली ये सारा फीमेल्स का है जो मतलब कि वो आप देख ही सकते हैं इन कपड़ों को, मैं जो बहुत ही खूबसूरत लग रही है कपड़े। लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर तो लोग पहनते हैं, गर्मी बहुत है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं। और ये ना यहाँ का पुलिस स्टेशन है। और अब मैं आपको यहाँ के ये स्टैचू मूर्तियाँ वगैरह जो होती हैं ये आपको दिखाता हूँ, स्टैचूज़ वगैरह। तो साथ ही अब मैंने ना एक आइसक्रीम वाला वो भी मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। ये वो बेसिकली जैसे हम तुर्की के अंदर जाते हैं वो भी उसी तरह का सिमिलरली होगा। और ये सारा खाने का सीन है, ये हमें बहुत ही अच्छा मतलब कि आपको मैं अरे कहना क्या चाहते हो है ना दिखा सारी चीज़ें साथ साथ दिखा रहा हूँ। बहुत ही अच्छी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं, कुछ लोग बाय भी कर लेते हैं जो टूरिस्ट वगैरह होते हैं बाहर से, जो
घोड़े वगैरह होते हैं वो जरूर आके बाय करते हैं यहाँ पे। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। तो मेन अब मैं आपको यहाँ पे एक शॉप में लेके चलता हूँ जो मुझे बहुत ही ज्यादा, ये देखें ये लाइटनिंग वाली, ये बहुत ही खूबसूरत लग रही है और ये बहुत ही वेव दे रही है। इसको अब अंदर जाके मैं आपको दिखाता हूँ अंदर क्या इसके है और क्या नहीं है, लेकिन मैं आपको बता नहीं सकता कि इतनी अंदर ना मतलब कि अच्छी उन्होंने लाइटिंग की हुई है। ये देखें ये उन्होंने बिल्कुल ना जैसे वो मेरे ख्याल से फिल्म्स वगैरह में आपने देखा होगा तुर्की वगैरह में इस तरह के होता है, तो ये माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो मैं तो मुझे काफ़ी पसंद आया, मे भी मैं एक तो कोई बाय भी कर लूँ, लेकिन ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं नहीं सोके 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 बाय तो तब किया जब मैंने घर जाना, तो फिर घर जाने से पहले जरूर बाय करें कि यहाँ के एंटीक स्टोन्स वगैरह जो है ये सारे वो खूबसूरत है और ये रिंग्स वगैरह, बाकी ये फीमेल डिपार्टमेंट भी है यहाँ पे, काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन फीमेल के ये ज़्यादातर है, मेल्स का तो नहीं है। लेकिन ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है, लेकिन ये देखें खूबसूरती से इन्होंने जो उनकी लाइट्स वगैरह की बनाई है, ये वो आइसक्रीम वाले जिनकी मैं आपको बात कर रहा था, और ये हम जरा एंड पे आके अभी आइसक्रीम टेस्ट करेंगे। अभी मेन आपको मैंने जो व्यू दिखाना है वो अभी रहता है अलसीफ का, ये मेन पेंटिंग डिपार्टमेंट और ये यहाँ पे कॉफ़ी वगैरह का सारा सिस्टम, जो यहाँ पे कॉफ़ी या रेस्ट करना वगैरह, रेस्ट की तो जगह नहीं है, बाकी बेसिकली यहाँ पे ना मेन व्यूज बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं जिनकी वजह से पिक्चर्स, ये वो म्यूजियम है यहाँ पे, ऑलमोस्ट 150 दिरहम की पर्सन टिकट है। ये चुप्पे, ये बेसिकली ये सारे ना जो ओल्ड गैलरी आप कह लें वो उस तरह की है, ये माशाल्लाह से ये उन कैप्स के ऊपर नाम वगैरह लिखे, ये भी एक व्यू यहाँ पे भी आपको मैं दिखाने लगा, ये साथ साथ ये देखें, ये मेन बेसिकली ये सारा ना टूरिज्म के लिए ना, दुबई तो वैसे भी टूरिज्म के लिए किया जाता है, तो ये मेन, ये भी देखें ये भी एक खूबसूरत व्यू है, यहाँ पे भी बोट वगैरह रुकती हैं, तो इस पर मतलब कि चार्जेस हैं कि आपने अगर पर्सनल करनी है तो पर्सनल भी मिल जाती है, अगर वैसे आप से ग्रुप के साथ जाओ तो वो आपको सस्ती पड़ती है। तो ये भी एक शॉप है, ये देखें यहाँ पे भी एक फीमेल डिपार्टमेंट की सारी चीज़ें, ये मैं आपको साथ साथ दिखा रहा हूँ। तो अब बेसिकली बस ये मैं यहाँ से निकलने लगा, तो मेन जो मतलब कि हमारा मैंने आपको जो दिखाना है इस व्लॉग के अंदर अलसीफ का व्यू, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, और ये रहा मतलब ये मेन एंट्रेंस है, हम जरा बैक से आ गए थे, ये बेसिकली इसकी मेन एंट्रेंस है अलसीफ की, यहाँ पे मतलब के सारे टूरिस्ट वगैरह आते हैं, ये सामने एटीएम है लेफ्ट साइड पर इसका, ये राइट साइड पर सारा नाम वगैरह लिखा, यहाँ पे सारी ये मेन, यहाँ से अब गैलरी स्टार्ट होने लगी है, और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अलसीफ का ही, और ये वो व्यू है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ना व्यू होता है रात के टाइम भी, मॉर्निंग में भी मैं आया हूँ, और इतनी खुशी नाइट में भी आया हूँ, बहुत ही ज़्यादा मैं आपको बता नहीं सकता। वो सामने आर्ट पूरी वो ना उन्होंने आर्ट गैलरी भी बनाई है, और साथ ही उन्होंने सामने खूबसूरत सी पेंटिंग, और ये जो लाइट्स वगैरह इससे माशाल्लाह से और ज़्यादा खूबसूरत व्यू बन जाता है, जो ना मतलब बंदा देखे तो बहुत ही ज़्यादा आउट क्लास लगने लग जाता है। और ये बेसिकली यहाँ पे ये सबसे बड़ी बोर्ड वगैरह जो उनसी होती है वो यहाँ पे लगती है, यहाँ से वो टूरिस्ट वगैरह जाते हैं तो सारा आउटिंग वगैरह करते हैं। मोमेंट्स लेटर राइट नाउ वी बोथ आर वेरी टायर्ड, सो वी हैव डिसाइडेड दैट वी आर गोइंग होम। मस्त प्लान है। सबसे पहले तो हमने घर जाके ना खाना खाना है जो सबसे मेन काम है, और उससे भी पहले हमारा मेन काम है हम नमाज पढ़नी है, जो नहीं पढ़ी थी तो सबसे पहले जाके पढ़ते और फिर उसके बाद खाना खाते और फिर उसके बाद हम आपके साथ व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तो आपसे हम मुलाकात करते हैं इन फ्यू मोमेंट्स लेटर। One hour later। अभी आपका भाई घर आया है, नमाज वगैरह पढ़ी है, खाना शाना खाया है। बेसिकली अलसीफ बहुत ही खूबसूरत मुझे तो लगा, आपको भी मैंने सारा अपने व्लॉग वगैरह देखा होगा तो आपको पता होगा अलसीफ में क्या क्या चीज़ें थी, क्या व्यूज थे, बहुत ही खूबसूरत था। ओवरऑल बात की जाए मॉर्निंग में भी इसका बहुत अच्छा व्यू होता है और नाइट में भी इसका बहुत ज़्यादा अच्छा व्यू होता है। इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम नाइट में भी इसके ऊपर व्लॉग अभी मजा आएगा ना वीडियो और बनाएंगे, लेकिन अभी आपका सिर्फ ये था, मेरा माइंड था कि आपको व्लॉग में दिखाया जाए, एक्सप्लोर किया जाए, जहाँ जहाँ पे मैं जा रहा था वहाँ वहाँ पे मैंने आपको दिखाने की कोशिश की कि यार आई होप कि आपको ये व्लॉग ज़रूर पसंद आया। अगर व्लॉग आपको थोड़ा सा भी पसंद आया अगर व्लॉग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑन करना, ये तीन काम आपने मस्ट करने हैं। तो इस व्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं, अगली बार आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह।